मोकामा विधानसभा क्षेत्र का हर मतदाता एक बार कमल निशान में अपना वोट देना चाहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर भारतीय राजनीति में शुचिता के लिए उसे अकेले भी चलना पड़े तो हम चलेंगे। गवर्नमेंट को तरजीह दी, आपने देखा ही होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 24 दलों की सरकार को चला रहे। आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के दो सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक मोकामा और दूसरा गोपालगंज। और ऐसे में जो मोकामा की सीट है वो काफ़ी हॉट सीट और काफ़ी चर्चित सीट में एक मोकामा है। वहीं आपको बता दें कि मोकामा जो सीट है उसमें बीजेपी के तरफ से अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया, जिसमें बीजेपी के तरफ से प्रत्याशी सोनम देवी है। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर काफ़ी कुछ निकल कर सामने आ रही। वहीं आपको बता दें कि ऐसे में जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके तारकिशोर प्रसाद ने साफ साफ कह दिया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के सिंबल पर कोई मोकामा में चुनाव लड़ेगा, और काफ़ी कुछ मोकामा में इस बार देखने को मिलेगा। और भी क्या कुछ कह रहे थे तारकिशोर प्रसाद, आप देखिए इस वीडियो में। को लेकर काफ़ी ज़्यादा नहीं, देखिए मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लिए जो सबसे बड़ी और अच्छी बात है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को यह पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में कमल निशान पर उन्हें अपना मत देने का अवसर मिलेगा। ये उस क्षेत्र के लिए सबसे रोमांचक और सबसे अच्छी बात है। और हम सबों ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के मन और मिजाज को टटोलने का काम किया है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र का हर मतदाता एक बार कमल निशान में अपना वोट देना चाहता है, क्योंकि अवसर अभी तक उसे नहीं मिला है। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो कमल निशान पर अपना मत देंगे तो भारत की जो राजनीतिक धारा है वो मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, श्री नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे, यह मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पता है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, कमल निशान से जुड़ना चाहते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत को देखना चाहते हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति में अकेला पड़ गई है भाजपा, चाहेंगे कि चिराग पासवान का सहयोग मिले, मुकेश सहनी का सहयोग मिले? नहीं, देखिए हम सब तो हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट को तरजीह दी। आपने देखा ही होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 24 दलों की सरकार को चला रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति में या बिहार की राजनीति में शुचिता के लिए काम करती है। और ऐसे जो राजनीतिक तत्व हैं जो परिवारवाद, जो उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए काम करती है, तो भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक तौर पर भारतीय राजनीति में शुचिता के लिए उसे अकेले भी चलना पड़े तो हम चलेंगे। क्योंकि हमारे साथ भले आज कई दल नहीं हो, लेकिन हमारे साथ भारत की जनता है, भारत के मतदाता हैं, बिहार की जनता है, बिहार के मतदाता है। तभी आपने देखा जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मोकामा में बीजेपी अपने सिंबल पर वहां पर चुनाव लड़ेगी। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी कुछ मोकामा में अलग होगा और काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मोकामा के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि मोकामा के लोग इस बार कमल छाप पर वोट देंगे। और भी क्या कुछ कह रहे थे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके तारकिशोर प्रसाद, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।